नमस्कार, जीएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के डेहुआ में स्थित एसडीवी एकेडमी में विश्व हैंड वॉश डे मनाया गया। इस मौके पर ब्रिज ऑफ होप संस्था के द्वारा बच्चों को हाथ धोने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर एसडीवी एकेडमी के प्रबंधक लवकुश यादव, विलीवर्स चर्च के फादर अभिषेक व ब्रिज ऑफ होप की प्रधानाचार्य रूपल शुक्ला सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक लवकुश यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि भोजन करने के पूर्व और शौच के बाद हाथों को साबुन से साफ करना अति आवश्यक है। सफाई के अभाव में असंख्य विषाणु हाथों के जरिए सीधे हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसे गंदगी हमारे पेट में जाती है और बड़ी बीमारी बनकर तैयार हो जाती है, जिससे बचने के लिए हमें अपने हाथों के साथ साथ शरीर और अपने चारों तरफ की साफ सफाई अति आवश्यक है। जहां बच्चों को हाथ धोने के अलग अलग कई तरीके बताइए, आइए देखते हैं यूपी क्राइम ब्यूरो चीफ जयसरण तिवारी की एक रिपोर्ट। वाटर देंगे आपको, धोना पड़ेगा अपने ठीक है, और थोड़ा समय लेना हाथ धोते समय, जल्दी जल्दी ऐसा ही जाके पानी में डाल दिए उससे नहीं होता, इसको थोड़ा समय देके उंगली को ऐसा। हर बार आप जब हाथ धोगे हम लोग हर वर्ष हैंड वॉश का कार्यक्रम मनाते हैं। आज हमारे बीच में फादर जी, आपसे फादर जी हर वर्ष हमारे बीच में रहते हैं। हैंड वॉश पिछले वर्ष भी हम लोगों ने मनाया था। आज एसडीवी एकेडमी में हैंड वॉश का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में आपसे फादर जी हैं और भी सभी लोग हैं, हमारे टीचर्स गण हैं, फादर के साथ में और भी स्टाफ आया हुआ है। जो बच्चों को हम लोगों ने सिखाया गया है कैसे हैंड वॉश हमको करना है, कैसे अपने हाथ साफ रखने हैं, उसके बारे में जानकारी विस्तार से दी गई।